गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने स्पर्श बुक का चैप्टर 5 करेंगे, पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी 20 मई सन 1900 को उत्तरांचल के कोसाने अल्मोड़ा में जन्मे थे। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। वे 7 साल की उम्र में स्कूल में उन्होंने काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए थे। उन्होंने सन 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से भी जुड़े हुए थे। पंत जी को कला और बुढ़ा चांद कविता संग्रह पर सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां थी वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और लोकायतन। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, पल पल परवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहर्ष दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला तौल दर्पण सा फैला विशाल। पावस का मतलब होता है वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश मतलब प्रकृति का रूप, पल पल होता है हर पल, मेखलाकार मतलब कर्थनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहर्ष मतलब हजार, द्रग मतलब होते हैं नेत्र आंखें, अवलोक मतलब देखना, महाकर मतलब विशाल रूप, दर्पण मतलब आईना, ताल मतलब तालाब। इसमें काव्यांश में ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के लिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित पर्वत प्रदेश से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु जो है हर पल अपना रूप बदल रही है, और पहाड़ों की जो ढाल है कर्थनी के तुल्य है, और जिस पर फूल खिले हुए हैं वे ऐसे लगता है जैसे पहाड़ खिले हुए फूलों रूपी हजार नेत्रों को खोलकर अपने चरणों में तालाब के समान दर्पण में अपने विशाल रूप को देख रहा है। तालाब में पहाड़ का रूप जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही विशाल दिखाई दे रहा है। दूसरा पहरा है, गिरी का गौरव गा गा कर झरझर मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च कक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। गिरी का मतलब है पर्वत, निर्जर मतलब झरने, उर मतलब हृदय, उच्च कांक्षा मतलब ऊंचा उठने की कामना करना अभिलाषा, तरवर पेड़ वृक्ष, नीरव शांत, नभ मतलब आकाश, अनिमश मतलब होता है लगातार देखते रहना, अटल मतलब दृढ़, चिंता पर मतलब चिंतित। इसमें क्या कहते हैं कि पहाड़ों पर बहते हुए झरने कल कल की आवाज़ कर रहे हैं, झाग भरे झरने पहाड़ों से गिरते हुए मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं, तथा अपनी मस्ती में बहते हुए नसों को उत्तेजित कर पहाड़ों से गिरते हैं, पहाड़ों के हृदय से निकलते पेड़ उच्च कक्षाओं के समान ऊपर उठे ऐसे लगते हैं जैसे चुप्पी भरे आकाश में चुपचाप दृढ़ एवं चिंतित मुद्रा में वो देख रहे हों। तीसरा पहरा है, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष शहश रह गए निर्जर है टूट पड़ा भू पर अंबर, बस गई धरा में सभ्य शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर या इंद्र खेलता इंद्र जाल। भूधर है पर्वत, वारिद मतलब बादल, पर मतलब पंख, रव होता है आवाज, धरा मतलब धरती। इसमें कवि कहते हैं कि बादल चारों ओर से आकाश पर फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, कि ऐसे लगता है जैसे पर्वत बादलों रूपी पंखों को फड़फड़ाकर उड़ गया हो, झरनों की केवल आवाज ही रह गई हो, चारों ओर शांत वातावरण में केवल झरनों की गिरनों की आवाज आ रही है, और आकाश वर्षा के रूप में पृथ्वी पर टूट रहा है, इससे भयभीत होकर शाल वृक्ष जो है वो धरती पर धस गया है, तालाब में गिरती वर्षा ऐसे लग रही है जैसे तालाब जल रहा हो, उसमें धुआं निकल रहा हो, और ऐसे लग रहा है कि बादलों रूपी विमान पर इंद्र भगवान बैठकर चारों ओर घूमकर जादूगरी का खेल दिखा रहे हो। थैंक यू।